जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में सोनिया गांधी के साथ हुई पूछताछ को लेकर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। इस पूछताछ को कांग्रेस षड्यंत्र करार दे रही है। राजगढ़ के सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ईडी को हाथ में लेकर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी पर दबाव बना रही है। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, व्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, महिला प्रदेश सचिव नीलू दुबे, समीर खान, मुकेश शर्मा, अजीज मोला और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेन मुद्दा है परेशान करना और बदनाम करना। सोनिया जी को कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उससे पहले राहुल जी को बुला के और ईडी के द्वारा पूछताछ किया जाना। अरे क्या पूछताछ कर रहे हो? अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सबूत है तो कार्रवाई करो ना सीधी सीधी। पर ये अनावश्यक दबाव बना के बुला के दो दो घंटे चार चार घंटे पूछताछ करना, उनसे तो 40-40 घंटे पूछताछ करिए तो राहुल गांधी जी से। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये लग गया है कि आने वाला समय में जो है वो कांग्रेस उनके लिए खतरा है और किसी भी हालत में हमारी सत्ता रहने वाली नहीं है। इसीलिए और ये दिखता है, अभी आपने जो अभी अपने नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें आधे चुनाव डायरेक्ट नगर निगम के डायरेक्ट और बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट पद्धति से किया जाना, ये इस बात को दर्शाता है कि मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हमारा जनमत घट चुका है, मध्य प्रदेश की जनता हमारे विरुद्ध है। इसी हिसाब से प्रत्येक कांग्रेसी को किसी न किसी प्रकार से दबाव करके इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। तो धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन वगैरह का भी प्रोग्राम था? हाँ, ज्ञापन का था, लेकिन हमें सब सुनाया गया कि बताया गया कि आचार संहिता लागू है, इसलिए हम ये ज्ञापन नहीं ले रहे हैं। इसलिए ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। ज्ञापन ने हमने तैयार किया था, लेकिन हमें प्रशासन की तरफ से बताया गया मत लो। हमें जो प्रशासन को हमें जो ज्ञापन देना था वो ये जो आम पब्लिक है जनता को देना था उन्हें दे दिया है, हम देते रहेंगे। आदरणीय हमारे विधायक जी ने कि जैसा बताया है कि बदनाम करने के लिए, और एक साल बाद फिर हम बताएंगे कि क्या होता है मतलब किसी को परेशान करना अनावश्यक। जी, किस बात का धरना प्रदर्शन था ये? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे वरिष्ठ नेताओं को डराया धमकाया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा। अभी पिछले समय राहुल गांधी जी को ईडी के माध्यम से पूछताछ के लिए कई घंटों बिठाया, अनावश्यक परेशान किया गया, और अब श्रीमती सोनिया गांधी जी जो है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको परेशान करने के लिए बुलाया। मतलब कुल मिला के ये सरकार भाजपा मतलब डरा धमका रही है, कांग्रेस को परेशान कर रही है, अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। इसका विरोध करने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में आज कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि ये जो कार्रवाई सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार के खिलाफ की जा रही है इसका भरोसा करते हैं, पूरी डटके से लड़ाई में लड़ेंगे। ईडी के द्वारा किन बातों को लेकर पूछताछ की जा रही है? नेशनल हेराल्ड एक अखबार है, पुराना अनुभव की संस्था है, उसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वर्षों पुराना अखबार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को परेशान करना है, देश में गुमराह जनता को गुमराह करना है और ताकि ये कांग्रेस के नेताओं बदनाम हो। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश में अंग्रेजों को भगाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी लड़के भगा देंगे। और आपने मध्य प्रदेश के परिणाम देख लिए कि आज जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें तो शहरों में हम लोग चुनाव जीतते नहीं थे, आज भाजपा के बराबरी से सीटें लेके आए, तो ये अगले चुनाव का संकेत है। और ये अगले भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही और दमनकारी नीतियाँ उसका विरोध जनता खुद सामने आ रही है। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।